सही बुखारी में खुतबा है कि अम्मार इब्ने यासिर को मौला अली ने भेजा कूफे में। कूफे वाले न्यूट्रल हो गए थे क्योंकि बसरा से सईदा आयशा आ रही थी और वहां पे उन्होंने कहा ना हम सईदा आयशा का साथ देंगे ना मौला अली का देंगे। तो अम्मार इब्ने यासिर को तैयार करने के लिए यानी वहां के जो अवाम थी इस किताल के लिए मौला अली ने भेजा। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर ने वहां पे कूफे के मिंबर पे खुतबा दिया, बुखारी के अल्फाज हैं। ऊपर वाली सीढ़ी पे अम्मार इब्न यासिर ने हसन इब्न अली को बिठाया, हालांकि हसन इब्न अली से चार गुना बड़ी उम्र थी अम्मार इब्न यासिर की, 90 प्लस हो चुके हुए थे, तीन चार गुना उनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत का एहतराम किया। खुद निचली सीढ़ी पे बैठे, बुखारी के अल्फाज हैं कि ऐ लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है सैयदा आयशा, दुनिया और आखिरत में यानी इज्जत अपनी जगह कायम। यहां लोग समझते हैं किसी की गलती आ गई तो पता नहीं क्या हो गया, वो यार उसका मर्तबा अपनी जगह है, गलती अपनी जगह है, पैगंबर नहीं है वो। और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है, अल्लाह अब देखेगा तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, अली की नहीं अल्लाह की। क्यों? या अय्युहल लदीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उनका उलुल अम्र मौला अली है, उनकी इताअत वाजिब है। ये अल्लाह ने आजमाया कि अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। और आप हैरान होंगे ये हदीस इमाम बुखारी हजरत आयशा की फजीलत वाले चैप्टर में लेके आए हैं। अगर इमाम बुखारी मशवरा कर लेते ना नासबियों से तो इन्होंने कहा था सर आखिरी सही रखो पिछला रहने दो, बल्कि पिछले वाला रखो आखिरी वाला रहने दो कि आयशा दुनिया और आखिरत में। वो हदीस घटने का मैं आपको तरीका बताता हूं, काट छांट करने का। वो आधी हदीसें लिखते हैं ना, आधी हदीस ऐसे लिखते हैं इमाम बुखारी कि सैयदा अम्मार इब्न यासिर ने खुतबे के दौरान फरमाया कि सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, बस। लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी हदीस ली है, आगे वो भी डाला है कि अल्लाह आजमा रहा है कि आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, जैसे आपके उलमा कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस 6488 आदि बयान करते हैं सारे मौलवी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब। मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अगर तुम में से किसी ने ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दिया और मेरे सहाबा ने एक मुद यानी 600 ग्राम खैरात की, आधा किलो, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता, बस। हालांकि ये मुस्लिम की हदीस स्टार्ट इससे होती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद इब्ने वलीद ने गालियां दी झगड़े के दौरान, हालांकि दोनों मुसलमान थे, दोनों सहाबी थे। आपने हजरत खालिद इब्ने वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो खालिद इब्ने वलीद ने तो आगे से नहीं कहा हुजूर मैं भी सहाबी हूं, उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार तकलीफ उठाना, और खालिद इब्ने वलीद ने गोल्डन पीरियड में सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। तो मैं अब तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग अगर औद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो यानी सुलह हुदैबिया के बाद वाले लोग, मेरे इनके बराबर नहीं हो सकते। और जो फतह मक्का पे माफिया मांग के मुसलमान हुए तुलका मुअल्लफतुल कुलूब आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहां तो खालिद इब्ने वलीद के बारे में बात की जा रही है, और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मेंबरों पे सबो शतम करवाए सैयदना अली पर, तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना, हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है। और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूं कि जो इनके दिमाग तक ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की है ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है, हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गए ना, जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी याला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद आमन में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उनका माज़ अल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग
अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलौच नहीं करते हो क्या, जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी अलैहिस्सलाम तक लेके जा रहे हो नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब सब का मतलब तनकीद है, और ना पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे पुराने बुजुर्ग झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाह अब तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले अबू इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सब का तर्जमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब है साहबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं, तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? रावजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहां, सब मुजरमीन आले उमैया, और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयां नबी इस्लाम की बेसस से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हजम नहीं हुई, वो चीज आगे चलती थी। खैर छोड़ दें, एक तल्ख टॉपिक है। सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।